अब हमें पता नहीं है इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, NGOC सन टेम्पल ये है। गिव दिस, दिस इज वेरी गुड। भाई देखने में नहीं, मुझे यहाँ पे बैठने में मजा आ रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। अभी हम हैं हनोई में, आज हमारा हनोई में दूसरा दिन है। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा कि हम कैसे हनोई पहुंचे थे और हनोई को थोड़ा बहुत हमने दिखाया था, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हमने ज़्यादा घूमा उमा नहीं। आज हम फिर से निकले हैं हनोई को घूमने, तो देखते हैं भाई हनोई में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कैसे हम हनोई को बेस्ट वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जैसा कि आपको पता है मैं हनोई अकेले आया हूँ, बट यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले थे फ्लाइट में जो अभी हनोई आ चुके हैं, तो मैं उनसे मिलूँगा, उनके साथ हम हनोई को एक्सप्लोर करेंगे, तो उनसे भी आपको मिलाते हैं। बाकी यहाँ पर हमने स्टे किया था, हमने आपको दिखाया था। चलो फिर निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हनोई को। तो भाई अभी हम लोग घूम रहे हैं हनोई सिटी में, और ये भाई लोग हैं जो हमें कोलकाता फ्लाइट में मिले थे। हेलो, इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दो। जीतू फ्रॉम मुंबई। धीरेन फ्रॉम मुंबई। आनंद फ्रॉम मुंबई। तो हम लोग अब साथ में ही घूमने वाले हैं। अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद हनोई सिटी घूमेंगे, और कल का एक और टूर प्लान है वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा है यहाँ का माहौल? बहुत मस्त है, बहुत मजा आ रहा है। वेदर एक नंबर है भाई। Enjoying. या चलो भाई देखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है। जहाँ मैं कल गया था वहीं ले जा रहा हूँ लोग को, अच्छा था वहाँ का खाना। लेट्स सी, देख लो भाई स्ट्रीट। और भाई कल तो मैं हनोई आ गया था, ये भाई लोग आज ही आए हैं। ये लोग कल गए थे दानांग बाना हिल्स घूमने, काफी अच्छा है वहाँ पे। तो आप लोग बताइए जरा कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ का? बहुत मस्त था बाना हिल्स, इतना मजा आया, बेस्ट प्लेस, वंडरफुल। तो अगर कोई आता है तो बाना हिल्स जाना जरूरी है। हाँ, और क्लुक से डाउनलोड करना टिकट, बेस्ट पड़ेगा। भाई शेयर करेंगे पिक्स, देखना अमेजिंग अमेजिंग। चलो भाई आ गया हमारा रेस्टोरेंट, कहाँ आगे निकल आए क्या? ईट इंडिया, ईट इंडिया दिखता नहीं है, यही है शायद। हाँ यही है। तो भाई अभी हम लोग एक शॉप पे आए हैं, कुछ सामान ले रहे हैं। से आई लव इंडिया। बोलो मत, कुछ बोलो। हेलो, यू लव इंडिया? वेट वेट वेट, टेल योर शॉप नेम। हाँ, टेल योर शॉप नेम, पीपल विल कम हियर आफ्टर सीइंग द वीडियो। हेलो, हाउ आर यू टुडे? मी माय फ्रॉम वियतनाम, नेम फ्लावर। Your shop name? Your shop name? Flower. And Flower. Street? Which street? Lam Mui Lung Van Can Street. Okay, thank you so much. अच्छी shop है। Jackets भी हैं, अच्छे भी हैं। अच्छे अच्छे। Okay. Wow. Wow. Very good, very cheap. Number one. How much? 700. भाई यहाँ पे जो collection है ना काफी अच्छा है। Indian rupees के हिसाब से जो price है ना वो भी काफी सही है। मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब ये शॉर्ट आप देखो, ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा। हाउ मच फॉर दिस ब्रो? हाउ मच? अच्छा 250। ओके, 100 बोलो ना। 250, इट्स टू मच। सो 250 बोला है, 100 में दे देगा। 100 मतलब 1 लाख डॉन, इट्स मीन 350 रुपए इंडिया के हिसाब से। सो सही है, सही है, क्वालिटी भी अच्छी है। वी आर गिव दिस, this is very good. Why are you crying? ये सब क्या होता है इधर बाप? Money, quick now. Yeah, cook now. Come here. More, more. You want more? T-shirt, T-shirt. Ladies T-shirt, women's T-shirt. Now, woman T-shirt, come here. No. तो गाइज अभी हम लोग आए हैं हनोई के बहुत ही फेमस एनगॉक सन टेम्पल। ये अब हमें पता नहीं है इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, NGOC सन टेम्पल ये है। और अभी हम लोगों ने बहुत तगड़ी शॉपिंग करी है, आपको इसे कुछ क्लिप्स दिखाए हैं, बहुत मजा आया मुझे तो। बाकी भाई काफी प्यारी जगह है। कैसा लग रहा है भाई लोग यहाँ पे? शॉपिंग 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 का क्या, शॉपिंग हमारी शॉपिंग का बैग देखो भाई, इतनी तगड़ी शॉपिंग करी है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी तो अच्छी है, हम लोगों ने क्वालिटी देख के ही लिया है, बट प्राइस भी काफी सही हमें मिल गया है, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सही है। और भाई ने ना जो डिस्काउंट में मजा दिलाया वो मजा आ गया मुझे।
बाकी भाई देखो भी बहुत क्लास है, सुबह बारिश हुई थी इसीलिए ये मौसम बना हुआ है, अभी सुबह बारिश हुई थी, बहुत अच्छा टेम्परेचर, बहुत मस्त है भाई, क्लाउडी है, एकदम क्लाउडी है। वाओ यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आओ पास से लेक दिखाते हैं आपको। वाओ सो दिस इज लेक, हम यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, सो वी कैन ट्राई। भाई बहुत बड़ी है, टेम्पल शायद इधर है, ये है टेम्पल, देखते हैं कौन सा टेम्पल है, क्या सीन है यहाँ का, कुछ अलग ही होगा। सो अभी हमने यहाँ से एक सिटी टूर बुक करा है जो कि हमें ओपन बस पर ऊपर बिठा के पूरा हनोई सिटी दिखाएंगे। Where are we? We are here and we have to go where? Yeah. We are 14 number. So we have to go from here. Okay. From here. So we have to go from here, na? Yeah, along the line. हाँ. Okay, okay. Thank you. चल रहे भाई उस स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें वो बस मिलेगी। क्या लग रहा है, सही किया हम लोगों ने टूर लेके? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा भाई, यहाँ कुछ अलग ही माहौल बन रहा है। वाओ ये हमारे सर डांस करेंगे। तो भाई यहाँ पे बच्चों के लिए रेंटल कार वगैरह मिलती है बच्चों वाली, तुम्हें ट्राई करना चाहिए आई थिंक। यस बच्चे मैं जा रहा हूं अभी, चलते हैं। मैं चलाऊंगा आर्मी टैंक, शायद यही है ओपेरा हाउस जहाँ से हमें पिकअप करेगी बस फॉर द डे टूर। तो देखो यहाँ पे बच्चे लोग मजे ले रहे हैं और ये मैकडॉनल्ड्स। हेलो हाय मैकडॉनल्ड्स हाय। और ये इधर कुछ भी वेज नहीं मिलता है मैकडॉनल्ड्स में। वाओ तो ये है हमारी बस जिसे हम सिटी टूर करने वाले हैं, वो भी ऊपर बैठ के ओपन। रोक रहा है। चलो 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 एंट्री करते हैं। तो हमें बस पे ऊपर जाना है। ओके सो ये है भाई हनोई का ओपन बस सिटी टूर। ओ माय गॉड भाई ये तो अलग ही है, पूरा हनोई सिटी हमें ऐसे घुमाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग बस पर बैठ चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है, पहली बार बैठ रहे हैं ऐसे ओपन। यस यस। और यहाँ पे हमें ये वियतनामी कैप भी मिली है, इसको भी हम लगा सकते हैं। अब हम पूरा वियतनामी वाइब आ रही है। और बस देखो भाई कैसी है, ये कुछ मैप है जहाँ जिन जगहों पे हम विजिट करने वाले हैं, टोटल 15 स्टॉप्स हैं अलग अलग जगहों पर, बस दूर से ही दिखाएंगे हमें, अंदर हम नहीं जा पाएंगे। ये है सारी जगह, तो जिस भी जगह पर रुकते हैं अगर हमें कुछ उसके बारे में पता होगा तो बताएंगे, पता तो कुछ नहीं है बट दिखा सकते हैं। और ये जो हमने सिटी टूर लिया है इसकी कॉस्ट है 1.5 लाख वियतनामी डोंग, इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 500 to 600 के अराउंड। तो इस बजट में पूरे सिटी घूमने को मिलेगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ये कुछ आर्मी का कैंप टाइप में लग रहा है ना, ये वियतनाम मिलिट्री हिस्टोरिकल म्यूजियम। ओके वाओ उसका ही पार्ट है। तो ये है वियतनामी मिलिट्री का म्यूजियम, ऐसे ही दूर से देखना है भाई, देखने में नहीं मुझे यहाँ पे बैठने में मजा आ रहा है। बस रुकी हुई है, बहुत तगड़ी रिवर है यार यहाँ पे, ये पता नहीं रिवर है कि लेक है, मुझे लग रहा है लेक है भाई, रिवर नहीं है, ये लेफ्ट में रिवर है, ये देखिए ये रिवर है। ओके रिवर है। बहुत ठंडी हवा लग रही है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है बारिश ना हो जाए। हेलो और मजा है, भीग जाएंगे। बारिश हो रही है बहुत सही भाई, और ये अंधेरा भी हो रहा है भाई, सब कुछ अभी हो रहा है क्या? तो भाई बारिश होने लगी है, जिसका डर था वही हुआ। फिलहाल ये कैब हमारी हेल्प कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, बट हम अब नीचे जाएंगे क्योंकि भीगना हम नहीं चाहते, मजा तो आएगा बट यू कैन सी नीचे भी फुल हो गया। अच्छा नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं है क्या? एक्सपीरियंस शेयर करो कैसा था।
बहुत अच्छा था सिटी राइड, अच्छे से घुमाया एक घंटा, सब कुछ दिखाया जितने भी स्पॉट्स थे, अच्छा लगा। आप तो सो ही गए थे सोने में मजा आया तो भाई सही बात है, अल्टीमेट मजा आना ही हमारा गोल है, वो कैसे भी आए। आपको कैसा लगा? बहुत मस्त था, बहुत एंजॉय किया ये सही में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिजन और वहाँ पे वियतनामी सोल्जर्स के बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो जो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं प्रिजन में, मैसन सेंट्रल टिकट ऑफिस है, यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, देखते हैं कितने का टिकट है। तो भाई 4 टिकट्स हमने ले लिए हैं, 30,000 डोंग का एक टिकट है, इंडियन रुपीज़ की बात करें तो लगभग 120 रुपये का। यहाँ पर एंट्रेंस है, अंदर जाना है, बारिश हो रही है बाहर। हेलो सी, ओके थैंक यू। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है इस जेल के बारे में, 1930 से 1945 के बीच में जो भी यहाँ के पॉलिटिशियंस थे या जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था उनको यहाँ पर कैद कर लिया गया था। उनको सही से खाना नहीं मिलता था, गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, दोनों को एक लकड़ी से बांध के रखते थे। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अंधेरा दिखाई देगा, ये है वो प्रिजन, हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं अंदर, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसके, ये फालतू है। एंड उन सभी प्रिजनर्स को इस तरीके से बांध के रखा जाता था, आप देखो तो एक एक टांग सबकी बंधी हुई है, कुछ इस तरीके से इनको जेल में रखा जाता था, कुछ भी खाने पीने को भी नहीं दिया जाता था। भाई ओ माय गॉड, बहुत जुल्म हुआ इनके साथ। तो गाइस प्रिजन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि प्रिजन काफ़ी बढ़िया प्लेस है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में और आपको थोड़ा सा सैड भी फील होगा कि कैसे लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है इस प्रिजन में, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, किस तरीके से उनको यहाँ पर रखा जाता था। तो हाँ, ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आप हनोई आते हो तो डेफिनेटली इसको विजिट करना। इसके अलावा जो ओपन बस टूर हमने करा उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज पूरा सिटी हमने घूमा एंड इस ओपन बस टूर के थ्रू हमें एक बेसिक सा ओवरव्यू मिल गया पूरे शहर का कि पूरा हनोई शहर कैसा है। तो हाँ, ओपन बस टूर भी आप ज़रूर करना अगर आप हनोई एक्सप्लोर करने आए हो तो। तो हाँ, कुछ इस तरीके से हमने हनोई में अपना पहला दिन स्पेंड किया जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं हलोंग बे जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वियतनाम का, तो उसका व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।